नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश व्यास। कंप्यूटर डिजी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 98 में और डेली टिप्स के लेक्चर नंबर 7 में हम देखेंगे कि बिट लॉकर का उपयोग कैसे करें। हाँ दोस्तों, बिट लॉकर ड्राइव को इंक्रिप्ट करने के लिए यूज किया जाता है। चलो दोस्तों, आज देखते हैं कि उसका उपयोग हम कैसे करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ मेरे पीसी पर देख रहे हो, मेरे पास सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और के, इतनी सारी ड्राइव यहाँ पर है। दोस्तों, इसी ड्राइव में से मुझे मेरी ये जो ई ड्राइव है, ई ड्राइव को इंक्रिप्ट करना है, यानी कि बिट लॉकर के जरिए मुझे इसे लॉक करना है। तो चलो दोस्तों, हम इसे कैसे लॉक करेंगे। तो सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे, तो यहाँ टाइप करके सर्च करते हैं कंट्रोल पैनल। ओके दोस्तों, कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। कंट्रोल पैनल के अंदर एक ऑप्शन दिखेगा आपको जिसका नाम है बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन। ये बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन पर क्लिक करोगे या तो आप दूसरा रास्ता जान लो, यही ड्राइव पर आप राइट क्लिक करो, ऊपर से चौथा ऑप्शन आएगा टर्न ऑन बिट लॉकर, तो आप यहाँ पे क्लिक करो। जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तब आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, उस डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हो चूज हाउ टू यू वांट टू अनलॉक दिस ड्राइव, आपको ये ड्राइव कैसे अनलॉक करनी है। तो दो तरह के ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है यूज अ पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव, ड्राइव को अनलॉक करने के लिए पासवर्ड यूज करो। या तो दूसरा ऑप्शन है यूज माई स्मार्ट कार्ड टू अनलॉक द ड्राइव। दोस्तों, हम यहाँ पे यूज पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम पासवर्ड टाइप कर देंगे। मैं यहाँ अपना पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ। आप मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना ही चाहिए, तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि 8 कैरेक्टर का पासवर्ड कैसे बनाते हैं, तो आप उसी तरह से 8 कैरेक्टर का पासवर्ड डाल दो और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमें एक ऑप्शन दिया जाएगा कि हमने जो पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड अगर हम भूल गए तो हमारे इंक्रिप्ट की हुई ड्राइव को अनलॉक कैसे करेंगे। तो अनलॉक करने के लिए हमने जो पासवर्ड डाला है उनकी एक रिकवरी की डाउनलोड करनी होगी। यहाँ पे चार ऑप्शन पे हम अपनी रिकवरी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। एक है सेव टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में आप रिकवरी की है वो डाल सकते हो। दूसरी ऑप्शन है सेव टू यूएसबी फ्लैश ड्राइव, आपने कोई यूएसबी फ्लैश ड्राइव अगर अपने पीसी में कनेक्ट की रखी है तो वो पेन ड्राइव में आप रिकवरी की शेयर कर सकते हो। जिसे सेव टू अ फाइल, आपके पीसी में ही हार्ड डिस्क के किसी एक कोने में ये रिकवरी की वाली फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और चौथा ऑप्शन है प्रिंट द रिकवरी की, ये जो रिकवरी की है उनको आप प्रिंट भी कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, हम अपने लैपटॉप में तीसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो और आगे बढ़ते। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे हमें पूछा जाएगा कहाँ पे आपको ये रिकवरी की डाउनलोड करनी है। चलो मैं अपने केस में डेस्कटॉप पर अभी रख लेता हूँ और सेव करता हूँ, टेक्स्ट फाइल में वो सेव होगी। जैसे सेव पर क्लिक करता हूँ वो फाइल सेव हो गई है। अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दो ऑप्शन दिखेंगे, इंक्रिप्ट यूज द डिस्क स्पेस ओनली और इंक्रिप्ट एंटायर ड्राइव। तो दोनों ऑप्शन में समझ लो क्या है कि जैसे मेरी ड्राइव में जितनी स्पेस है यूज की हुई वही स्पेस को वो इंक्रिप्ट करेगा, बाकी रेस्ट स्पेस को छोड़ देगा। और दूसरे है एंटायर ड्राइव, यानी कि कौन सी यूज है और कौन सी अनयूज है वो सब कुछ नहीं देखेंगे, सारे के सारे ड्राइव को इंक्रिप्ट कर देगा। चलो दोस्तों, आपकी ड्राइव में अब पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन आप अपनी तरह से चूज कर लो और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि न्यू इंक्रिप्शन मोड और कंपेटिबल मोड, दो ऑप्शन यहाँ पे दिखते हैं। देखो, न्यू इंक्रिप्शन मोड क्या बता रहा है, विंडोज 10 वर्जन में न्यू डिस्क इंक्रिप्शन मोड आया हुआ है, लेकिन अगर विंडोज के अलावा 8.1 या तो विंडोज 7 यूज कर रहे हो तो आपको एक कंपेटिबल मोड यूज करना होगा। हम यहाँ पे न्यू मोड यूज करते हैं, न्यू इंक्रिप्शन मोड, क्योंकि मेरा विंडोज जो है विंडोज 10 है,
यहां से फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो पूछा जाएगा आर यू रेडी टू इंक्रिप्ट दिस ड्राइव, हमें स्टार्ट इंक्रिप्ट पर क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट इंक्रिप्ट पर क्लिक करेंगे, आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे केस में बहुत कम स्पेस यूज होने की वजह से बहुत जल्द ही मेरी ये ड्राइव इंक्रिप्ट हो गई। लेकिन दोस्तों, आपके पास अगर ड्राइव में बहुत ज्यादा डेटा होगा तो इंक्रिप्शन में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जब तक इंक्रिप्ट नहीं हो रहा है तब तक आपको वेट करना होगा। दोस्तों, अब यहाँ से हम क्लोज करेंगे। देखो, अब ये जो मेरी ड्राइव है वो इंक्रिप्ट हो गई। लेकिन आप पूछ रहे होंगे ये तो ओपन हो गई, कब लॉक होगी? तब लॉक होगी जब मैं पीसी रिस्टार्ट करूंगा। जैसे पीसी रिस्टार्ट करूंगा तो ये मेरी ड्राइव लॉक होगी। अब वो लॉक की हुई ड्राइव को कैसे खोलते है, चलो हम दोस्तों देखते हैं आफ्टर रिस्टार्ट पीसी के बाद। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख रहे हो ये जो मेरी ई ड्राइव है वो बिट लॉकर के जरिए लॉक हो गई है, और एज ड्राइव है वो भी लॉक हो गई है। चलो दोस्तों, अगर ये ड्राइव को मुझे अनलॉक करना है तो कैसे करें? जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा एंटर पासवर्ड टू अनलॉक दिस ड्राइव। जैसे मैं अपना पासवर्ड यहाँ डालूंगा तो मैं मेरी ड्राइव को अनलॉक कर पाऊंगा। मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। अगर दोस्तों आप अगर पासवर्ड भूल गए हो तो यह मोर ऑप्शन दिखेगा। मोर ऑप्शन में जाओगे तो वहां पे पूछा जाएगा एंटर रिकवरी की। जैसे मैं एंटर रिकवरी की पर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एंटर रिकवरी की के लिए एक बड़ा सा बॉक्स होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर द 48 डिजिट रिकवरी की टू अनलॉक दिस ड्राइव की आईडी। तो ये की आईडी को ध्यान में रखें। मैं इस की आईडी को आप कहाँ देख पाओगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, हमने रिकवरी की डेस्कटॉप पर सेव की थी। डेस्कटॉप पर ये रहा बीट लॉकर रिकवरी की आईडी। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा वहां पे ये रिकवरी की दिखेगी। ये मेरी रिकवरी की है और ये मेरी रिकवरी की आइडेंटिटी है। ये इतनी बड़ी आइडेंटिटी है, लेकिन आपको यहाँ सिर्फ इतनी आइडेंटिटी दिखाई देगी। ये देख लो, ये इसके साथ हमारी वो रिकवरी आईडी मैच होनी चाहिए, तब जाकर आप 48 डिजिट वाली एक की डालोगे तो आप अपनी ड्राइव को अनलॉक कर पाओगे। इसलिए दोस्तों, आपको ये जो रिकवरी की है अच्छी तरह से सेव करके कहीं अच्छे कोने पे रखना है, वरना आप अपने ड्राइव में अनलॉक करने के लिए बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे और अपने डेटा को गवा दोगे। आपको फॉर्मेट करना होगा, इसलिए दोस्तों खास ध्यान में रहे। चलो, तो फिर ये अनलॉक करने के लिए मैं अपना पासवर्ड यहाँ डालता हूँ। जैसे मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ तो यहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे अनलॉक पर क्लिक करूंगा तो मेरी जो ड्राइव है वो अनलॉक हो जाएगी। देखो दोस्तों, ये मेरी ड्राइव अनलॉक हो गई है। ये लॉक है लेकिन अब ये अनलॉक है, यहाँ आइकॉन भी देख सकते हो। तो दोस्तों, आप इस तरह से अपनी ड्राइव को अनलॉक कर पाओगे और लॉक भी कर पाओगे। अब एक दूसरी बात है, जैसे इस पर राइट क्लिक करोगे तो टर्न ऑन नहीं आएगा, टर्न ऑन बिट लॉकर नहीं आएगा, लेकिन मैनेज बिट लॉकर आएगा। जैसे मैनेज बिट लॉकर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पे बैकअप योर रिकवरी की, चेंज पासवर्ड, रिमूव पासवर्ड, ऐड स्मार्ट कोड, टर्न ऑन ऑटो अनलॉक, टर्न ऑफ बिट लॉकर, इतने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप इसी ऑप्शन को चेंज करके आगे बढ़ सकते हो, अपनी तरह से कोई भी चेंजेस कर सकते हो। अगर रिकवरी की खो गई है तो फिर से यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ योगेश व्यास फ्रॉम कंप्यूटर डिजी क्लास। गुड बाय।